नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूनियर NTR सर की फिल्म अरविंद सामेथा वीरा राघवा के पूरे 12 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे हेलो गुरु प्रेमा कोसम के पूरे 5 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और वेदा चेन्नई के भी 5 दिन के कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इन तीनों फिल्मों ने अब तक कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हेलो गुरु प्रेमा कोसम के 5 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म में राम है और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 5 दिन हो चुके और फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में तो बड़ी ही शानदार कमाई की थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म ने अपने शुरुआती 4 दिन में लगभग 33 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया था। लेकिन दोस्तों इसका 5वां दिन आते ही फिल्म के कलेक्शन काफी कम हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म ने अपने 5वें दिन लगभग 4 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो 5 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है 37 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं धनुष की फिल्म वेदा चेन्नई के भी 5 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों वेदा चेन्नई लोगों के बीच में जगह बनाए बैठी है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के रिव्यू काफ़ी शानदार आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। इसी के कारण जो दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है इंडिया में भी और ओवरसीज में भी। इस फिल्म ने जहां अपने शुरुआती 4 दिनों में ही 56 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था, वही इस फिल्म के जो 5वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है लगभग 7 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 5 दिनों में लगभग 63 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया और उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म 100 करोड़ तक का आंकड़ा बड़ी आसानी से पार कर जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यंग टाइगर जूनियर NTR सर की फिल्म अरविंद सामेथा वीरा राघवा के पूरे 12 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अरविंद सामेथा वीरा राघवा से पहले तो यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह फिल्म इस बार 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर देगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया फिर लोग सोच रहे थे कि अब यह फिल्म बस 250 करोड़ कर जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन दोस्तों अब फिल्म ने 250 करोड़ भी पार कर दिया तो अब सबकी यही ख्वाहिश है कि बस ये फिल्म अब 300 करोड़ पार कर जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे कि मैंने बताया था इस फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में मतलब पहले ओपनिंग के दिन ही लगभग 60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। उसके बाद इस फिल्म का कलेक्शन बढ़ते रहे घटते रहे, मतलब एक तरीके से अच्छे कलेक्शन आ गए और इस फिल्म ने अपने शुरुआती 11 दिनों में लगभग 244 करोड़ रुपये का शानदार ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। और बात करें इस फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में, दोस्तों 12वें दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा 9 करोड़ रुपये और इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का टोटल अब तक का ग्रॉस कलेक्शन हो गया है वर्ल्ड वाइड वो है 255 करोड़ रुपए। दोस्तों फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है। अब तो बस यही रिक्वेस्ट है ऊपर वाले से कि ये फिल्म 300 करोड़ पार कर जाए। लेकिन दोस्तों 300 करोड़ का आंकड़ा अब थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि फिल्म का तीसरा हफ्ता चालू हो गया और तीसरे हफ्ते तक फिल्में उतनी कमाई नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों हमें तो यही लगता है कि कभी हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि अरविंद सामेथा 300 करोड़ कमाने में कामयाब होगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ बॉलीवुड और साउथ की हर एक नई अपडेट जानने के लिए हमारे और आपके इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।